साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी का एक बार फिर एक नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। आज हम बहुत ही शानदार इस प्रोग्राम में बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा परिचय नाम पंकज प्रजापुतवा, सुजानगढ़ चौरासा से बिलोंग करता हूँ, और आपका इस लाइव और बहुत ही शानदार जो वेबिनार है उसमें स्वागत है। आज हम बहुत ही शानदार वेबिनार में बहुत ही शानदार बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है 7 कार्डिनल रूल्स, यानी 7 वो काम जो हमें आरसी में नहीं करने होते हैं, वो काम जो नहीं करने से हमारी कामयाबी आती है, उससे करने से हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है। इसीलिए हमें इस काम को करना चाहिए और ये 7 कार्डिनल्स जो अभी मैं बता रहा हूँ उनका पालन करना चाहिए। तो बिल्कुल भी देरी नहीं कर रही, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो 7 कार्डिनल्स का सबसे महत्वपूर्ण जो रूल्स है वो है सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका उपयोग में नहीं ले। यानी हमें अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना है इस बिजनेस में। हमें अपना इस बिजनेस में एक बात आती है इन्वेस्ट, इसमें 0 इन्वेस्ट है, ना पैसे लगते हैं और ना ही इसमें दिमाग लगता है। यानी हमें अपना अपलाइन का दिमाग यूज करना है। अपलाइन जैसे कहती है वैसा ही उसी तरीके से हमें काम करना है, जिससे हमारा बिजनेस बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट होगा। और जो पहला 7 कार्डिनल्स का जो रूल्स यही कहता है कि बिल्कुल भी नया तरीका और सिस्टम की पूर्ण अनुमति, यानी सिस्टम को बिना पूछे कोई भी नया तरीका अपने को उपयोग नहीं करना है। सिस्टम को पूछ कर कर सकते हैं हम बहुत ही शानदार, जो तरीका अपने पास है वो हम अपने अपलाइन से पूछें, और जो अपने अपलाइन से पूछ कर जो अपलाइन अगर मना करती है तो उसे बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर हमें कहती है कि हाँ ये बिल्कुल आप कर सकते हो तो आपको वो तरीका अपनाना है। साथ ही हमारा दूसरा जो 7 कार्डिनल रूल्स का जो दूसरा नियम है वो है अपनी डाउनलाइन, अपने क्रॉस लाइन में नकारात्मकता नहीं फैलाएं, नेगेटिवता न फैलाएं। नेगेटिवता बहुत ही बिल्कुल भी हमें इस बिजनेस में नहीं फैलानी है, क्योंकि नेगेटिवता बहुत ही शानदार और बहुत ही गंदी चीज़ है। और अगर हम मान लीजिए दिन में कहीं जाते हैं और हम दिन में जाते समय पॉजिटिव सोच के जाते हैं तो सारी चीज़ हमें पॉजिटिव दिखेगी, और अगर हम नेगेटिव सोच के जाते हैं तो हमें सारी जितने भी चीज़ हमें दिखेगी वो सारी नेगेटिव दिखेगी। तो इसीलिए हमें हमारी डाउनलाइन और हमारी क्लोज लाइन दोनों में नेगेटिवता नहीं फैलानी है, और दोनों ही हमारे भाई हैं। डाउनलाइन भी हमारे भाई हैं और क्रॉस लाइन वो हमारे दूर के भाई हैं। तो इसीलिए हमें क्रॉस लाइन और डाउनलाइन के साथ बिल्कुल भी नेगेटिवता का बर्ताव नहीं करना है, बल्कि उन्हें पॉजिटिवता का बर्ताव करना है, जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ करेगा और आपका भी बिजनेस ग्रोथ करेगा। साथ ही तीसरा हमारा 7 कार्डिनल्स का जो तीसरा नियम है वो है किसी के पैसों, भावनाओं और परिवार के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। इस सिस्टम में 3 चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है पैसा। पैसा अपने इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन अपने घर में जो जितने भी सामान लगता है उसके लिए पैसे लगते हैं, तो इसीलिए हमें सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए और पैसों के साथ हमें खिलवाड़ न करना है। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए भावनाएं। अगले की भावना अगर हम समझना शुरू कर देंगे, अगर स्टार्ट कर देंगे या सीख जाएंगे अगले की भावना समझना, तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा अपना बिजनेस ग्रोथ करवा सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है परिवार। परिवार हमारा बहुत ही बड़ा हिस्सा है, आरसीएम भी एक बहुत बड़ा परिवार है, और हमें अपने परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और दूसरे के परिवार के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना है। और ये 3 चीज़ें अगर हम क्लियर हो चुकी है तो हम चलते हैं अगले पॉइंट, जो कि चौथा पॉइंट है, वो है किसी की आलोचना, बुराई और शिकायत ना करें। किसी की भी आलोचना ना करें, और किसी की भी अगर मान लीजिए आपके सामने वो कोई भी चीज़ कहता है तो अपने को दूसरे के साथ जाकर बुराई नहीं करनी है उसके साथ, किसी भी तरीके की उसके अगले के साथ दूसरे लोगों के साथ शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि शिकायत करने से उसकी इज्जत तो कम डाउन होती है और जो हमारी इज्जत है
वो ज्यादा डाउन होती है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो 500 जो हमारा सेवन कार्डिनल रूल्स का जो 500 पॉइंट है जो हमें नहीं करने वाले कार्यों में गिना जाता है, 500 पॉइंट हमारे हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपना खुद का जो बिजनेस है उसके बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्रॉस लाइन के साथ बिल्कुल भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि क्रॉस लाइन हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, क्रॉस लाइन हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। इसीलिए हमें क्रॉस लाइन के साथ बिल्कुल भी अपने बिजनेस के बारे में नहीं बातचीत करनी है। और हम कोई भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हैं, अपने हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका बिजनेस डाउन हो सकता है। अगला हमारा जो सत्ता काम हमारा है नहीं करने वालों में, वो है धूम्रपान, नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करें। धूम्रपान और नशीले पदार्थों का उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है इस बिजनेस में। कई लोग मुझे मिलते हैं कि क्या इस बिजनेस में फूडी आएगा, मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि यह सिस्टम है जो है नशीले और जो धूम्रपान है जो साधन है उन्हें सुधारने का साधन है। क्योंकि आरसी मिनस जो पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक आरसी मिनस में जो पहला उद्देश्य आरसी का वो है स्वास्थ्य रक्षा, वो है स्वास्थ्य रक्षा। हमारे स्वास्थ्य पर आरसी मिनस बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। हर एक प्रोडक्ट, हर एक छोटी सी छोटी चीज पर आरसी मिनस ध्यान देता है, और इसी कारण आरसी मिनस आप आज ऊंचाई को छू रहे हैं, आप भी ऊंचाई को छू सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक नियम, ये सात जो नियम मैं बता रहा हूँ, सातवां जो नियम अपने को बता रहा हूँ मैं, वो है झूठ न बोलें, बड़ी ना हाँके और दिखावा न करें। अपने को झूठ नहीं बोलना है इस बिजनेस में बिल्कुल भी। जो हमारे पास सच है, यह बिजनेस सच का है, जो सच बोलता है उसका ज्यादा बिकता है। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, और बिकता उसी का है जो सच बोलता है, और ज्यादा उसी का बिकता है जो हमेशा सच बोलता है। तो इसीलिए हमें हर टाइम, हमें बिजनेस एक टाइम का नहीं बल्कि अनेक टाइम, यानी फुल टाइम बिजनेस है, ये हमारे फ्यूचर का बिजनेस है। इसीलिए हमें झूठ नहीं बोलना है, और बिल्कुल भी बड़ी नहीं आंकनी है। जितने हमारे पैसे आते हैं, मैं पैसे का बात नहीं कर रहा, और भी कई सारी चीज़ें हैं उसमें हमें बड़ी नहीं आंकनी है, हमें खुद को बड़ा नहीं बनाना है, हमें अपने लेवल को हमारे लेवल जो जितना है उसके बराबर रखना है, और झूठ नहीं बोलना है, और बुराई भी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके साथ ये जो सात काम है, ये जो सात काम है वो आपको करने से, नहीं करने से बिल्कुल, मतलब मेरा मतलब हुआ नहीं करने से, तो हमें बिल्कुल भी ये जो सात काम है वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं जिससे हमारा बिजनेस बहुत ही बड़ा ग्रोथ कर सकता है। तो आज मैं आपसे इस प्रोग्राम के साथ विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय आरसीएम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।